दिल्ली में मिड डे मील में एक बार फिर खामियां देखने को मिली जब यहां कल्याणपुरी इलाके के राजकीय सर्वोदय हाई स्कूल में मिड डे मील खाने से दो छात्राएं बीमार हो गईं। शनिवार की सुबह रोजाना की तरह इस स्कूल में मिड डे मील पहुंची थी। बच्चों को खाने के लिए कढ़ी चावल लाए गए थे, लेकिन इसे खाने से स्कूल की दो छात्राओं की अचानक तबीयत खराब होने लगी। जांच में पता चला कि जो मिड डे मील स्कूल में लाई गई थी उसमें एक मरी हुई छिपकली थी। दोनों छात्राओं को तुरंत पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन छात्राओं के नाम गुनगुन और खुशी हैं। गुनगुन इस स्कूल में सातवीं क्लास में पढ़ती है और खुशी नौवीं क्लास की छात्रा है। इस घटना की खबर मिलते ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीमार छात्राओं से मिलने अस्पताल पहुंचे और बच्चों की हालत की जानकारी ली। सिसोदिया ने इस पर कार्रवाई करते हुए मिड डे मील सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है।